हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास आरसीसी की है, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का थोड़ा एनालाइज करेंगे, मतलब कैसे यूज करते हैं हम उसको, ठीक है। आइए हम बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का जो होता है उसमें हम समझते हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड कैसे यूज करते हैं और कहाँ तक इसमें हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं, दैट इज डायग्राम इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, जिसमें कि हमें पता है दैट इज यहाँ कहीं एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट होता है अपर अपर यील्ड पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है लोअर यील्ड पॉइंट होता है, फिर ये वाला पॉइंट क्या है अपर अल्टीमेट पॉइंट, और ये बी क्या है फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे शो कर दिया वाई वन क्या है अपर यील्ड पॉइंट, वाई टू क्या है लोअर यील्ड पॉइंट, यू क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और बी क्या है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा स्टील क्या होगा फेल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है यहाँ तक ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ तक क्या होता है इलास्टिक बिहेवियर होता है, जो हमारे स्टील में इलास्टिसिटी होती है, और यहाँ से यहाँ तक वाला जितना भी बी पॉइंट तक जितना भी होता है वो कहाँ तक होता है प्लास्टिक बिहेवियर करता है यहाँ तक, ठीक है। प्लास्टिक बिहेवियर होता है, इलास्टिक बिहेवियर मतलब ये समझ लीजिए, जैसे अगर हमने क्या है जो भी हमारे पास ये बार है, बार में हमने क्या हुआ पुल किया, टेंशन अप्लाई किया, टेंशन अप्लाई किया अगर हमने इलास्टिक लिमिट तक हमने किया, फिर हमने क्या किया लोड को हमने क्या रिमूव कर दिया। जब हम लोड लोड को रिमूव कर देंगे तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक बिहेवियर। हम प्लास्टिक बिहेवियर में क्या है, अगर हमने उसको इलास्टिक लिमिट के बाहर इलास्टिक लिमिट के बाहर हमने बहुत ज़्यादा लोड लगा दिया तो वो फिर प्लास्टिक में रहेगा, ना कि इलास्टिक में नहीं आएगा, ठीक है। इलास्टिक यहाँ तक ओरिजिन तक नहीं आएगा अपने, ठीक है। इसका फिर यहाँ कहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लोड यहाँ तक लगाया, अल्टीमेट लोड तक लगा दिया, अब हम जो देखेंगे ना बिहेवियर यहाँ यहीं तक ही रहेगा, इसका यहाँ तक आएगा, ना कि ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है प्लास्टिक बिहेवियर, मतलब हमने लोड को इतना इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमने उसमें लोड दे दिया तो वो मटेरियल क्या हो गया अब इलास्टिक लिमिट के बाद चला गया, अब हम लोड रिमूव भी कर देंगे तब भी वो अपनी इलास्टिक लिमिट में नहीं आएगा, वो किस में रहेगा प्लास्टिक लिमिट में ही रहेगा, दैट इज़ द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब हम डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या होता है हम लोअर यील्ड पॉइंट तक ही डिज़ाइन करते हैं, अपने जो भी हम सेक्शन बीम या कॉलम जो भी डिज़ाइन करते हैं कहाँ तक डिज़ाइन करते हैं लोअर यील्ड पॉइंट तक ही डिज़ाइन करते हैं, जो कि हमको पता है कि हमारा मटेरियल जो है कहाँ तक फेल कहाँ पे होगा यहाँ तक फेल होगा, बी पॉइंट पे जाके फेल होगा ब्रेकिंग पॉइंट, फिर भी हम यहीं तक इसमें डिज़ाइन करते हैं, तो इतना जो एक्स्ट्रा जो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अपने स्ट्रक्चर में तो वो क्या होता है वेस्ट जाता है इस मेथड से, WSM, ठीक है। WSM मेथड में क्या करता है वेस्ट वेस्ट इतना बहुत ज़्यादा मटेरियल हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन हम लोड कहाँ तक ले रहे हैं, हम डिज़ाइन कहाँ तक मार रहे हैं वाई टू तक ही मार रहे हैं, लेकिन हमारा मटेरियल कहाँ तक जाएगा अल्टीमेट पॉइंट आएगा एक, ठीक है। फिर कहीं यहाँ तक जाके फ्रैक्चर होगा, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं हो, ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या हो इकोनॉमिकल नहीं होता, इसीलिए WSM मेथड हम बहुत कम कम यूज करते हैं कम यूज करते हैं ज़्यादा WSM मेथड हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ जैसे हम वाटर टैंक्स वगैरह बन रहा है वहाँ पर हम यूज करते
है। और दूसरा एक मेथड होता है लिमिट स्टेट मेथड। वो मेथड भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। लिमिट स्टेट मेथड जिसको हम LSM से शो करते हैं, इसमें जो होता है हम जो भी हम सेक्शन डिजाइन करते हैं वो कहाँ तक लोड ले, मतलब कहाँ तक डिजाइन करते हैं जब तक हमारा मटेरियल फेल ना हो जाए, अल्टीमेट पॉइंट तक जाते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ज़्यादातर आजकल हम यही वाला यूज करते हैं। इसमें क्या होती है, हमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी बहुत मैक्सिमम मिलती है और हमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत कम मिल रही है और ये भी बहुत कम मिल रहा है, स्ट्रेस भी बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वर्किंग यहाँ पे हम क्या हो रहा है, जो भी मटेरियल स्टील है, माइल्ड स्टील को हम पूरा पूरा यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा यूज कर ले रहे हैं। जब हमें पता है हमारा स्टील जो है इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो हम यहाँ तक क्यों लें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ तक तो बढ़ा ही सकते हैं ना, यहाँ तक तो बढ़ा सकते हैं, कोई रीज़न नहीं बढ़ाने में, यहाँ तक ले लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कहाँ तक लेते हैं, यहीं तक लेते हैं, लेकिन हमारा मटेरियल फेल यहाँ पे तो मटेरियल फेल नहीं हो रहा, हमारा मटेरियल क्या है, यहाँ पे फेल हो रहा है। अल्टीमेट लोड से हम जस्ट पहले तक लेते हैं, ठीक है, ना कि हम बी पॉइंट तक भी नहीं जाते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट तक, दैट इज़ ब्रेकिंग पॉइंट। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट WSM और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या क्या है WSM में और LSM में, डिफरेंस क्या क्या है। लो लोड के लिए यूज होता है, बिकॉज लो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है लो लोड इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, लो लोड इज यूज्ड क्यों, लो लो क्यों क्यों लो लो लोड इज यूज्ड होता है, आइए देखते हैं। लो 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 लोड के लिए हम इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पर लोड हमारा जो है स्टील कहाँ तक, हम यही लोअर यील्ड पॉइंट तक लिए ले रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लो लोड के लिए ही इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब हम इधर आ जाओ, इसमें क्या था, LSM में हम क्या करते थे, अल्टीमेट लोड इज यूज्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। नो वार्निंग ऑफ साइन, ये क्या दूसरा क्या है इसमें, नो वार्निंग ऑफ साइन फेल होने से पहले कोई साइन नहीं देता, नो वार्निंग ऑफ साइन, सडन सडन कॉलेप्स होता है विदाउट क्रैकिंग और वार्निंग, ठीक है। देयर इज ए वर्किंग वार्निंग साइन देगा ये, इट विल फर्स्ट शो द क्रैकिंग साइन बिफोर कॉलेप्स, कॉलेप्स होने से पहले पहले ये क्या है, क्रैक क्रैक बताएगा। और ये सडन फेल, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अगर हम डिजाइन करना है तो ये क्या हो जाएगा, सडन फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लोअर यील्ड पॉइंट तक डिजाइन किया है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड वेयर द लोड डज नॉट एक्सीड, इट इज़ यूज्ड वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करे, ठीक है, जैसे कि वाटर टैंक, ठीक है। डिजाइन फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, जहाँ पर लोड कम ज़्यादा होता रहता है वहाँ वहाँ पर हम क्या है, लिमिट स्टेट मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसके मेरिट देख लेते हैं थोड़ा सा, मेरिट लो रिस्क द मेंबर कैन नॉट बी फेल इन इन फ्यूचर हैविंग लार्ग लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, मेरिट ये है इसका, मेंबर हम इतने बड़े बड़े इसमें बना देते हैं जिसमें फेल ही नहीं होता वो, ठीक है, जहाँ मटेरियल को है इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए ये फेल कम करता है। डीमेरिट वेट ऑफ द सेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अनइकोनॉमिकल होता है, और डिज़ाइन जो होता है ऐसा होता है अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अलाउ अस टू क्रॉस द इलास्टिक लिमिट एंड इंटर इन द प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में तो रहेगा फिर ये प्लास्टिक लिमिट पहुंच जाएगा क्योंकि अल्टीमेट लोड तक हम डिजाइन करते हैं, जैसे हमने ये कर बनाया था यहाँ पे, ये कह रहा अल्टीमेट लोड तक पहले इलास्टिक पहुंचेगा फिर किस जोन में पहुंचेगा, प्लास्टिक जोन में पहुंचेगा, ठीक है। अलाउ अस टू क्रॉस द इलास्टिक लिमिट एंड इंटर द प्लास्टिक लिमिट, दैट इज द पॉइंट। यूज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टेबल, ये हम बताएंगे इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करते हैं, कौन कितनी सेफ्टी यूज करते हैं फॉर लोड के लिए, टेबल जो भी है IS किस मेथड से हम डिजाइन करते हैं, IS 456:2000, ठीक है, इस मेथड से हम इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं क्या है,
ये मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक पेन है कोई, जो ये पेन पेन के अंदर जो है उसको हम मान ले रहे हैं क्या है? स्टील है, स्टील है, ये स्टील जो इंक भरी हुई है उसको हम स्टील मार रहे हैं, ठीक है। और ये जो जिसमें स्टील भरी हुई है उसको हम, ये वाला पार्ट को हम क्या मान रहे हैं? कॉन्क्रीट मान रहे हैं, कॉन्क्रीट मान रहे हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस में WSM में क्या होता है? अब इंक कब तक हम यूज कर सकते हैं? कब तक यूज कर सकते हैं? यहाँ तक यूज कर सकते हैं। इंक हम कहाँ तक यूज करेंगे? यहाँ तक यूज करेंगे इंक, ठीक है। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो क्या कहता है? आप यहीं तक यूज करिए, ये कहता है आप यहीं तक यूज करो। WSM कहता है यहीं तक यूज करो, उसके बाद आप नहीं ले लो, यहीं तक यूज करो, उसके बाद क्या करो, आप नई पेन यूज करो, ठीक है। ये होता है उसमें क्या, जैसे हम स्टील यूज करते थे, स्टील में क्या क्या था हमारा, स्टील तो बहुत, स्टील कहाँ पे फेल हो रहा है? स्टील जो है हमारा, स्टील हमारा कहाँ कहाँ पे फेल हो रहा है? यहाँ फेल हो रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट है। ये हम WSM में कहाँ, यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इंक हमने बताया कि हमारा अभी भी तो लोड ले सकता है, हमारा जो स्टील है अभी भी लोड लोड बहुत ज़्यादा ले सकता है, यहाँ कहीं यहाँ पे जाके फेल होगा। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता है आप यहीं तक लीजिए, आप जो है आधी इंक यूज करो, आधी ही इंक लो, यहीं तक लो, उसके बाद आप जो है नया नया पेन ले लो, एज कम्पेयर टू, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? WSM से, ठीक है। और लिमिटेड स्टेट मेथड क्या कहता है? WSM क्या कहता है? WSM मेथड कहता है कि आप जो है पूरा पूरा यहाँ तक जाओ, अल्टीमेट पॉइंट तक जाओ। अल्टीमेट पॉइंट ये है, यहाँ कहीं जाके ख़त्म होगा, ठीक है। ये फ्रैक्चर पॉइंट है, ये क्या कौन सा पॉइंट है? फ्रैक्चर पॉइंट है। WSM कहता है आप यहाँ से पूरा यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड कहता है, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड कहता है आप यहाँ से यहाँ तक जाइए, जाइए पूरा जितना भी, अप टू अल्टीमेट पॉइंट तक जाइए। अप टू कहाँ तक जाइए? अल्टीमेट पॉइंट तक जाइए, अल्टीमेट पॉइंट तक जाइए, क्योंकि हमारा जो लोड लोड लेने की कैपेसिटी है कहाँ तक है? अप टू अल्टीमेट, मैक्सिमम लोड कहाँ तक ले सकता है? अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट तक ले सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो है LSM में जो होता है, हम स्टील का जो है पूरा पूरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। और स्टील का वेस्ट नहीं हो, वेस्टेज कम होता है। और WSM में क्या होता है? मटेरियल का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, और मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है। जो मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है तो सेक्शन जो है बहुत बड़ा बनता है, लार्ज बनता है, तो इसी इसी की वजह से मटेरियल ज़्यादा लगता है। इसमें सेक्शन में मटेरियल कम लगता है, ठीक है। मटेरियल कम लगेगा तो पैसे भी कम बचेंगे, पैसे भी ज़्यादा बचेंगे। इसीलिए हम जो है LSM मेथड यूज करते हैं, WSM मेथड हम बहुत कम यूज करते हैं। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द WSM, ठीक है। और हम लिमिट स्टेट मेथड को भी हमें डिटेल से देखना है। ये पेन वाले से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा किसी को तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं। आज की क्लास हमारी यहीं पे क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड। ओके, थैंक यू।